Hello everyone, welcome back to the second session of this series. हमने last lecture में exercise 2.1 polynomial देखा था. आज हम exercise 2.2 polynomial के देखने वाले हैं. तो चलो start करते हैं. 2.2 में first question is this: find the value of p of x. p of x means ये polynomial दिया हुआ है. 5x minus 4x square plus 3. For first question is x is equal to 0, second question is x is equal to minus 1, and third question is x is equal to 2. Okay? So, हमें इस polynomial की value variable की 3 different values put करके निकालनी है. Okay? First question ये कह रहा है. So, p of x is equal to 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to 0. यानी कि इस जो polynomial है उसमें x is equal to 0 रख के हमें चेक करना है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो x is equal to 0 यहाँ पे रख दो. जहां जहां पूरे जगह पे x दिखे वहां पे 0 रख देना है हमें. p of 0 5 minus 4 प्लस 3. ओके, जहां भी वैल्यू हो उस वैल्यू को, वेरिएबल की वैल्यू को ब्रैकेट में लिखने की आदत डालो, ताकि जब आगे माइनस वैल्यू आएगी तो उसमें काम आएगा. सो स्पेस का मतलब मल्टीप्लाई होता है. 5 इंटू 0 क्या होगा? 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर. तो 4 इंटू 0 का स्क्वायर तो क्या होगा? 0 प्लस 3. सो 0 माइनस 0 जीरो. फोर जीरो जीरो हो जाएगा प्लस. तो आपका आंसर क्या बचेगा? सिर्फ 3. ये आपका आंसर है. ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन. एक्स इज इक्वल टू माइनस 1. सो क्वेश्चन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. सिमिलर टू फर्स्ट वन, जहां जहां एक्स था वहां हम क्या रखेंगे इस बार? माइनस 1. सो पी ऑफ माइनस 1 5 माइनस 1 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3. ओके, सो 5 इंटू माइनस 1 यानी कि 5 प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस माइनस 5. माइनस 4 जब भी नेगेटिव नंबर हो या तो पॉजिटिव, जो भी हो, यहाँ पे अगर एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है यानी कि पावर के फॉर्म में नंबर दिया हुआ है, तो हम पहले पावर को सॉल्व करेंगे, बाद में इसे इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे. तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव 1 होता है. ओके, नेगेटिव नंबर का इवन पावर ऑलवेज पॉजिटिव होता है. सो माइनस 5, और बाद में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ही नहीं करेंगे. सो 4 वन जा 4 प्लस 3. सो माइनस 5 माइनस 4 प्लस 3. ओके, सो माइनस माइनस प्लस एंड आंसर इन माइनस 9 प्लस 3. सो माइनस 9 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6. प्लस माइनस माइनस 9 में से 3 जाएंगे 6, बिगर नंबर की साइन. सो पी ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर? माइनस 1. सिमिलरली द थर्ड क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 2. पी ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. सो पी ऑफ 2 5 इंटू 2 माइनस 4 2 होल स्क्वायर प्लस 3. 5 2 is 10 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3. 10 माइनस 16 प्लस 3. ओके, 10 माइनस 16 इज माइनस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 3. ओके, ये आपका आंसर है. Now the second question is this: find the p of 0, p of 1 and p of 2. For first question, p of y is equal to y square minus y plus 1. Okay, इसमें अलग अलग वेरिएबल की वैल्यू दी थी, पॉलिनोमियल एक था.
अब पॉलिनोमियल्स एक है वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग यहाँ पे पुट करनी है इस तरह के सब से। देखो फर्स्ट वन के लिए पी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, फाइंड फॉर पी ऑफ जीरो। जहां जहां वाई है उसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे, जीरो स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन, ये जीरो हो जाएगा पूरा, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे, ओनली वन। ओके, सिमिलरली फॉर पी ऑफ वन, पी ऑफ वन फाइंड करने के लिए जहां वाई है वहां पे हम क्या रख देंगे, वन रख देंगे। वन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, वन का स्क्वायर वन होगा, माइनस वन प्लस वन, वन माइनस वन जीरो प्लस वन, इज इक्वल टू जीरो प्लस वन इज वन। ओके, सिमिलर थिंग्स फॉर पी ऑफ टू। पी ऑफ टू, पी ऑफ टू इज इक्वल टू टू स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, टू स्क्वायर इज फोर माइनस टू प्लस वन, फोर माइनस टू इज टू प्लस वन इज इक्वल टू, योर आंसर इज पी ऑफ टू इज इक्वल टू थ्री। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड का सेकंड, पी ऑफ टी इज इक्वल टू टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, उसकी वैल्यू हमें पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन और पी ऑफ टू के लिए निकालनी। जहां जहां टी दिखे वहां पे हम क्या रख देंगे, जीरो। टू प्लस जीरो, टू इंटू जीरो स्क्वायर माइनस जीरो क्यूब, टू प्लस जीरो टू हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर क्या होगा, जीरो। टू इंटू जीरो जीरो, ये तो ऑलरेडी जीरो है, यानी ओवरऑल टू प्लस जीरो इज इक्वल टू टू आंसर आएगा। ओके, पी ऑफ जीरो क्या आएगा, टू आएगा। पी ऑफ वन, टू प्लस वन प्लस टू ऑफ वन स्क्वायर माइनस वन क्यूब, टू प्लस वन, वन का स्क्वायर क्या होगा, वन, तो टू वन जा टू हो जाएगा, माइनस वन का क्यूब वन, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव माइनस वन फोर, तो आपका पी ऑफ वन क्या आएगा, फोर आएगा। ओके, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, और ये तो सारे बेसिक प्लस और माइनस के एग्जांपल्स हैं। लास्ट पी ऑफ टू, टू प्लस टू प्लस टू स्क्वायर माइनस टू क्यूब, टू प्लस टू क्या हो जाएगा, फोर प्लस टू इंटू टू का स्क्वायर फोर माइनस टू का क्यूब क्या हो जाएगा, एट। फोर प्लस टू फोर जा एट माइनस एट, एट माइनस एट जीरो, योर आंसर इज पी ऑफ टू इज इक्वल टू फोर। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज वेरी इजी, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, पी ऑफ जीरो, जीरो का क्यूब क्या होगा, कुछ जीरो, पी ऑफ वन, वन का क्यूब क्या होगा, वन, एंड टू का क्यूब क्या होगा, एट। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, यहाँ पे मिस्टेक है, पी ऑफ एक्स के बराबर ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, नॉट पी ओनली। ओके, बाकी पी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो माइनस वन, जीरो प्लस वन, एक्स की जगह पे जीरो, जीरो माइनस वन इज माइनस वन, स्पेस मीन्स मल्टीप्लाई, जीरो प्लस वन मीन्स वन, वन वन जा वन, बट प्लस माइनस इज माइनस वन, पी ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस वन। फॉर अगेन सेम फॉर पी ऑफ वन, वन माइनस वन, वन प्लस वन, वन माइनस वन इज जीरो इंटू वन प्लस वन टू, जीरो इंटू टू जीरो, एंड लास्ट
P of 2, 2 minus 1 and 2 plus 1. So 2 minus 1 is 1, 2 plus 1 is 3. तो 3 ones are 3. तो P of 2 क्या होगा? 3 होगा. ओके, ये सेकंड क्वेश्चन के क्वेश्चंस थे. 1 2 1 पिछले साइड था, 1 2 3 एंड 4. ओके, इसे जीरोस चेक करना कहते हैं, जो आप अगले क्वेश्चन में देखोगे. ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स, मींस पॉलिनोमियल. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. बहुत से स्कूल्स में फर्स्ट यूटी में ये क्वेश्चन 110% आते हैं इसमें से. तो ध्यान से देखना क्या कहा है फिर से, कि ये जो x इज इक्वल टू -1 3 दिया हुआ है, वो इस इक्वेशन का जीरो है या नहीं वो हमें चेक करना है. मतलब x इज इक्वल टू -1/3 अगर हम इसमें रखेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा, अगर वो जीरो मिलता है तो x इज इक्वल टू -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरो कहा जाता है. उसी को कहने का दूसरा तरीका ये है कि x इज इक्वल टू -1/3 पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद अगर आंसर जीरो आता है, तो x इज इक्वल टू -1/3 को इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन भी कहते हैं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जिसमें किस तरह से था, हमने जो किया था वो p ऑफ, यहाँ x इज इक्वल टू जीरो रखा तो आंसर हमें 3 मिला, x इज इक्वल टू -1 रखा तो आंसर हमें -6 मिला. इस तरह से यहाँ सिर्फ -1/3 रहने से आंसर जीरो ही आना चाहिए, तो ही इसको जीरो कहेंगे, अदरवाइज नो सॉल्यूशन और नो जीरो कहेंगे. चलो देखते हैं, x इज इक्वल टू -1/3 यहाँ पे रख के देखो. पी ऑफ, जहां जहां x दिखता है वहां वहां -1/3 रखेंगे. 3 into -1/3 +1. ओके, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ -1 +1 बचेगा, और 1 -1 क्या हो जाएगा, 0. सो पी ऑफ -1/3 इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, 0 होगा. क्या होगा, 0. और ऐसे लिखा जाता है सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ओके, सेकंड क्वेश्चन. एक्स इज इक्वल टू 4/5, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई. सो पी ऑफ 4/5, सो 5 ब्रैकेट 4/5 माइनस पाई. अब यहाँ पे हमें पहले से पता है कि पाई की वैल्यू 22/7 है, पर हम यहाँ पे रखेंगे क्योंकि जिस ये पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर्स हैं, वेरिएबल्स वाले हैं, जहाँ पे पाई का वैल्यू रखना होता है वो ज्योमेट्रिकल जो चैप्टर होते हैं उसमें, उसमें ब्रैकेट में दिया होता है कि पाई इज इक्वल टू 22/7 यूज करो. तो ऐसे चैप्टर्स में अगर सिर्फ पाई दिया हुआ है तो उसे वही रखना है, उसमें 22/7 नहीं लेना है. सो 5 5 कैंसल, 4 माइनस पाई. तो क्या है, आपको जीरो जैसा दिख रहा है? ये तो 4 माइनस पाई है, कोई भी वैल्यू हो सकती है. पाई की वैल्यू 22/7 रख के देखो तो अलग ही वैल्यू मिलेगी, मतलब ये जीरो तो नहीं है. तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, या तो ऐसा बोल सकते हो नो सॉल्यूशन फॉर दिस पॉलिनोमियल. एक्स इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर पी ऑफ एक्स 5x-5 पाई. ओके, ये नॉट अ सॉल्यूशन एनसीईआरटी में नहीं दिया है, कुछ अलग दूसरा आरडी आरएस अग्रवाल में दिया हुआ है, बाकी सिर्फ एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही होता है, नॉट जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ओके, थर्ड क्वेश्चन. पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x²-1. सो पहले किसके लिए चेक करना है, एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए और एक्स इज इक्वल टू -1 दोनों के लिए. तो पहले 1 के लिए चेक करते हैं, तो 1² - 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 -1, 1 - 1 इज 0. तो पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 मिला, यानी एक्स इज इक्वल टू 1 ये इस पॉलिनोमियल का 0 है. चलो -1 के लिए चेक करते हैं, पुट करो -1² - 1, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 - 1.
इज इक्वल टू जीरो, तो पी ऑफ माइनस वन भी इस पॉलिनोमियल का जीरो है, यानी कि सॉल्यूशन है। आया समझ में? फोर्थ क्वेश्चन देखो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, चेक फॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड टू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पुट करके देखते हैं। सो यहाँ पे माइनस वन प्लस वन एंड माइनस वन माइनस टू, तो माइनस वन प्लस वन तो क्या हो जाएगा, जीरो। स्पेस का मतलब मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस प्लस, आंसर माइनस में, जीरो इंटू माइनस थ्री इज जीरो। देन पी ऑफ माइनस वन यानी कि एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इज द जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल। टू पुट करके देखो, सो टू प्लस वन एंड टू माइनस टू, सो टू प्लस वन इज थ्री, टू माइनस टू इज जीरो, तो थ्री इंटू जीरो जीरो। तो ये दोनों ही जो वैल्यू दी थी इस पॉलीनोमियल के जीरो है। फिफ्थ क्वेश्चन, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो पुट करो p ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो स्क्वायर, तो जीरो का स्क्वायर क्या होगा, जीरो। ओके, यानी x इज इक्वल टू जीरो इस पॉलीनोमियल का जीरो है। सो p ऑफ x इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, एक्स इज इक्वल टू माइनस एम बाय एल। ओके, सिर्फ वेरिएबल में दिया हुआ है, नंबर्स नहीं दिए हुए, जैसे यहाँ पे पाई दिया था वैसे ही। ओके, सो l x की जगह पे माइनस एम बाय एल प्लस एम, तो एल एल कट हो जाएगा, सिर्फ माइनस एम प्लस एम हो जाएगा। ओके, सो एम माइनस एम प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि पी ऑफ माइनस एम बाय एल इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ये भी जो एक्स इक्वल टू माइनस एम बाय एल है, ये पी ऑफ एक्स का जीरो है। ओके, अंडरस्टूड दैट? ओके, या तो इसे अगर जीरो आंसर आता है तो ही इसे जीरो कहेंगे, या तो सॉल्यूशन कहेंगे। अगर जीरो आंसर नहीं आता तो नॉट जीरो कहेंगे और नॉट सॉल्यूशन कहेंगे। ओके ओके, नाउ द सेवन क्वेश्चन, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, फॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री कॉमा टू अपॉन रूट थ्री। यानी एक्स की दो वैल्यू दी है, एक माइनस वन अपॉन रूट थ्री और एक टू अपॉन रूट थ्री। ये इस पॉलीनोमियल के जीरो है या नहीं वो हमें चेक करना है। तो चलो पहले हम x इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री रख के देखते हैं। जहां जहां x है वहां पे माइनस वन अपॉन रूट थ्री रख लो, थ्री इंटू माइनस वन अपॉन रूट थ्री स्क्वेयर माइनस वन। सो थ्री नेगेटिव अंदर इंटीजर हो या रेशनल नंबर हो, नेगेटिव का स्क्वेयर ऑलवेज क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो माइनस वन का स्क्वेयर क्या होगा, वन, और रूट थ्री का स्क्वेयर, रूट में कोई भी नंबर हो यहाँ पे उसका स्क्वेयर ऑलवेज वही नंबर होता है। रूट थ्री का स्क्वेयर क्या होगा, थ्री, रूट फाइव का स्क्वेयर फाइव, रूट सेवन का स्क्वेयर सेवन। सो वन अपॉन रूट थ्री, ये नीचे डिनोमिनेटर में इसलिए नीचे, अगर न्यूमरेटर में हो तो न्यूमरेटर में माइनस वन। तो थ्री थ्री कैंसल हो जाएगा, सिर्फ वन बचेगा, माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ओके, सो पी ऑफ माइनस वन अपॉन रूट थ्री इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल। ओके, नेक्स्ट पी ऑफ टू अपॉन रूट थ्री। ओके, तो देखते हैं, थ्री इंटू टू अपॉन रूट थ्री स्क्वेयर माइनस वन। सो थ्री यहाँ तो नेगेटिव नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू का स्क्वायर फोर, नीचे रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा, थ्री, जैसा सेम सिमिलरली यहाँ हुआ था वैसे ही। ओके, थ्री थ्री कैंसल, फोर माइनस वन एंड इज इक्वल टू थ्री, टू अपॉन रूट थ्री। ओके, तो यहाँ पे जीरो आंसर आया था, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री इज जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल, बट टू अपॉन रूट थ्री जीरो आंसर नहीं ला पाया, यानी टू अपॉन रूट थ्री इज अ नॉट जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल, यानी नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलीनोमियल। ओके, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू। ओके, सो टू इंटू
1 upon 2 plus 1. So 2 2 cancel, then 1 plus 1 remaining, 1 plus 1 is equal to 2. यानी कि P of 1 upon 2 is equal to क्या होगा, 2 आंसर है. यानी कि x is equal to 1 upon 2 is not a zero of this polynomial, not a solution of this polynomial. ओके, आई होप समझ में आया होगा. होमवर्क में आज जो करवाया है वही एक बार लिख लेना, एक्सरसाइज कर लेना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. और इसमें से यूट्यूब में से क्वेश्चंस आते ही हैं. ओके, सो टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय.